बिलासपुर में नशे को लेकर रेलवे स्टार व लाडली फाउंडेशन व अन्य सामाजिक संस्थाओं में चल रहे नशे के खिलाफ बिलासपुर शहर में रैली निकाली। वहीं नशे के खिलाफ युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए एएसपी बागमल ने बताया कि आजकल का युवा नशे की ओर बढ़ रहा है, जिसे हमें प्रतिदिन खत्म करना है। नशा करने वालों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है, ताकि युवा पीढ़ी नशे से बच सके। बिलासपुर में नशे को लेकर रेनबो स्टार व लाडली फाउंडेशन व अन्य सामाजिक संस्थाओं ने चल रहे नशे के खिलाफ बिलासपुर शहर में रैली निकाली। वहीं नशे के खिलाफ युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए एएसपी भागमल ने बताया कि आजकल युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, जिसे हमें प्रतिदिन खत्म करना है और नशे करने वालों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है, ताकि युवा पीढ़ी नशे से बच सके। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आजकल चिट्टा जैसा नशा हिमाचल के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, जो कि काफी जानलेवा नशा है, जिससे हमें बचना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिट्टा जैसे भयंकर नशे से पिछले महीने एक बच्चे को मौत भी हो चुकी है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सामाजिक संस्था रेनबो स्टार क्लब के अध्यक्ष ईशान अख्तर ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से आज प्रधानमंत्री को नशे को रोकने के लिए ज्ञापन भेजा, तथा उन्होंने सरकार और प्रशासन से भी मांग की है कि चिट्टा सरगना और नशा माफिया के ऊपर आज बिलासपुर में परिक्रमा निकाली है। इस परिक्रमा में विभिन्न स्कूलों व संस्थाओं के 1000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि चिट्टा बाहरी देशों से भारत में आ रहा है, जिससे युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार तथा पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा सरकार को निर्देश दे कि अपनी सीमा पर कड़ी निगरानी रखे, ताकि चिट्टा जैसा नशा भारत व हिमाचल में न आ सके और युवा पीढ़ी चिट्टा जैसे भयंकर नशे से बच सके। उपयुक्त बिलासपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मुख्य मांग की गई है कि भारत देश के साथ सटे सीमाओं में जहां से ये हमारा सिंथेटिक ड्रग्स नाइजीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि कंट्री से जो हमारी सीमाओं के अंदर भारत में घुस रहा है, उन सरकारों को, हमारी जो सटी सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा की, ये लोगों को, सरकारों को ये निर्देश दें कि अपनी सीमाओं को कड़ी चौकसी निभाएं, ताकि सिंथेटिक ड्रग्स हमारी भारत की सीमा में प्रवेश ना कर सके। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।